हेलो, आज मैं रीका वैक्स करने जा रही हूँ। रीका वैक्स कैसे करें और क्या सावधानियाँ बरतें, आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए करते हैं। वैक्स को भर लिया है। बहुत लोग प्री एप्लीकेशन पोस्ट एप्लीकेशन का ऑयल लेते हैं, बट मैं टेलकम से ही करती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगा पड़ जाता है और ये है वैसे है, लेकिन टेलकम के साथ भी आप रीका वैक्स कर सकते हो। देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन भी हो रहा है। और इसे जैसे नॉर्मल वैक्स को करते हो वैसे ही करिएगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, मीडियम में इस वैक्स को गर्म करिए और फिर वैक्स को करिए। बहुत अच्छे से हो जाता है और एक बार में रिमूव होता है इससे हेयर, और इससे टैनिंग भी रिमूव होता है। और तो और है कि आपको री अप्लीकेशन नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको कितने अच्छे से कर रही हूँ। पूरी वीडियो आप ध्यान से देखोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, आराम से देखिए, आपको पूरी तरह से समझ आएगा। पूरा टेलकम लगा के उसके बाद से वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ। कोई प्री एप्लीकेशन नहीं, कोई पोस्ट एप्लीकेशन नहीं, ऐसे ही पूरे में वैक्स हो जाए। इसे क्लीन करने के बाद से आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही सेकेंड हैंड भी करेंगे। आपको पूरी वीडियो में दिखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप ये पूरा, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रही हूँ, दोनों हाथों में करके आपको दिखा रही हूँ। कोई प्री एप्लीकेशन नहीं, कोई पोस्ट एप्लीकेशन नहीं, आप रीका वैक्स ऐसे नॉर्मल जैसे कर सकते हो, ऐसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बस आपको एप्लीकेशन करते टाइम ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा वैक्स नहीं इस्तेमाल करना, बस आपको ध्यान ये रखना है। आपको आगे की वीडियो रीका लेग वैक्सिंग कैसे करें ये भी आपको मिलेगा। मैंने इनका ही किया था, यही कस्टमर है और इनका मैंने पूरा वैक्सिंग की वीडियो मैंने बनाई है और मैं पोस्ट करूंगी। आगे आपको लेग वैक्सिंग की वीडियो मिलेगी, रीका वैक्स कैसे करें। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। फिंगर्स पे पूरे करिए क्योंकि इससे टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है। पूरा अच्छे से ऐसे ही करना है आपको। ये ऐसे सेकंड हैंड में आ गई, ऊपर का पोर्शन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ऐसे एप्लीकेशन करिए, ध्यान से देखिए पूरी वीडियो तो आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। ऐसे नॉर्मल वैक्स में जैसे आप करते हो, जिधर के हेयर्स होते हैं उसी तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करना है। उसके अपोजिट में खींच देना है वैक्स स्ट्रिप को। इसे क्लीन कर दी हूँ और इस पर अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी, जैसे नॉर्मल वैक्स में मॉइस्चराइज करते हैं। अगर आपको स्किन ऑयली है या थोड़े दाने पड़ रहे हैं तो आप जेल भी लगा सकते हो। देख सकते हो मॉइस्चराइजर, मैंने नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।